फैक्ट हूं कि सिंह जी ने हमारे नुमाइंदे के साथ ही 600 पार के मुंह में थप्पड़ मारा है। ओडीसी इसको यह पता नहीं कि गवर्नमेंट और पब्लिक में जो एक पिलर होता है और पब्लिक से मिलता ही नहीं, वादा नहीं करता। आज से 4-5 महीने पहले एक दफा मैं शहर का मसला लाया था, आज तो हमें जाति तकलीफ हुई तो हम आ गए हैं। हम सबको जाति अपने मुकदमा के पैसों में की तकलीफ हुई है तो यहाँ आ गए हैं। मैंने बिल्कुल जनाबे सदर बात कर रहा हूँ। मैंने एक दफा एक मसला पेश किया, इसमें हमारे चंद सीनियर गए और अच्छी अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो साथ नहीं, मुझे ले गए उन्होंने, डिप्टी कमिश्नर ने उनसे फोटो सेशन लेकर उनके फोटो तो बना लिए सीनियर के, लेकिन कोई काम नहीं है वैसे के वैसे यार। डिप्टी कमिश्नर सही कहा, हमारा मुलाजिम होता है आवाम का, कायदे आजम अगर अहमद ने सिपी में या चटागांव में अफसरान को खिताब करते हुए कहा था कि आप पब्लिक के मुलाजम हैं, आप खादम हैं, एक खादम खिदमत करके मखदूम बन सकता है। सियासी जमातों की हुकूमतें आएंगी आती जाएंगी, एक वजीर आजम आता है, एक वजीर आजम जाता है। जनाबे सदर ये मामला इतना आसान नहीं, ये जो नौजवान है इनको पता नहीं, हमने पहले 21 दिन एनडीसी इसके पेशरल फैक्टर के खिलाफ हड़ताल की थी, उसका नतीजा हमें पता क्या निकला था। फिर जनाबे सदर के बाल साहब सदर से बाहर थे, हमने एक एसटी से झगड़ा लिया था, 3 महीने तक हमारा झगड़ा चला, नतीजा कहां पहुंचता, फिर आखिर में कोई सुलह बनाने वाला ही आ जाता है। मुजिज मेहमान इनको एसपी डीसी को तब्दील कराना कोई आसान नहीं है, इनको चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी क्या, इनको तो इमरान खान ही तब्दील नहीं कर सकता। ये खिलौने जिसे मरहूम ज़ियाउर हक़ ने कहा था, ये सियासतदान कुत्ते की तरह दो महलाते हमारे पीछे इंतजार के लिए आते हैं, ये वो सियासतदान है। हकीकत माननी चाहिए, हमारे यहाँ कोई जमहूरियत नहीं, हमारे यहाँ कोई नुमाइंदों की हुकूमत नहीं, हमारे यहाँ हुकूमत बैरोक्रेसी है। जनाबे सदर इसको वो ठीक है, ये मेंबर जो एमएलए एमपी हैं मिनिस्टर की भी झंडी लगाया करते हैं, खुदा की कसम ये यूनियन के चेयरमैन के रह रही है, इनको इनके जमीन नहीं है, कौन पूछता है ना मैंने को ये मिनटे करके एसपीडीसी के साथ अपने जाति काम में डाल दिए, और फिर मैं तो उनमें नहीं के बॉन्ड इश्यूज के घर तक पहुंचू, वो जो खुशाम भी होते जिन्होंने काम लेना होता है वो घर तक पहुंचते हैं, हम यहां काम लेंगे आप रहेंगे। जनाबे सदर हम आपके साथ 100% पर मुतफिक है, मैं आपकी शेयर करता हूं जो आपने तुरकुतर डीसी को जवाब दिया, वो ही लायक था, लेकिन हम वकील हैं, हम मुस्तस्त तरीके से हमारा हक है एहतजाज कर, लेकिन ये जो हमारे कई लोगों के पैगाम पड़ेगे जबरदस्ती वाले, हम बोलते नहीं है, हम कमला ग्रुप का कभी साथ नहीं देने वाले। जनाबे सदर की बात कि मैंने ये बात न खंजर उठेगा न तलवार से, ये बात मेरे हाथ में, ये बात मजबूत थी, अगर इतिहास हो तो अब भी मजबूत है, मुझे याद है मियां अनवर साहब मौजूद है, हमने महकमा महान के खिलाफ डीसी एडीसी के खिलाफ इस बार ने 2 करारदादें पहले पास की हुई है, लेकिन होता यह है हमारे होते खुशाम
एक दिन की कार बता दी, लोगों का कोई कसूर नहीं गया, सिगरेट बोर्ड ने भी सेशन बोर्ड में यहाँ पेश नहीं हुए। क्या काम की वो लोग जो आज बस नहीं करते, आज यहाँ बड़े धड़ल्ले से स्पीकर बने हुए हैं, उन्होंने हड़ताल तोड़ी, वहां पेश हुए बड़े वकील कहलाए, बाद में पैसे बनाए, उन्होंने तो हड़ताल की बात। आज मैं 54 साल से इस बात का मेंबर हूं, मैंने जनरल बाजी के फैसले को कभी वायलेट नहीं किया। तू भी देखना ये है, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से अगर अमान से आप हमारे किसी को अपने आप को एडवोकेट बुलाते शर्माते हैं बता, क्यों हमारा लग्न और हो गया। वो बात इतनी जरूरत नहीं लगती, जिसको वो 2 लाख का नोटिस देती है उसके कसूर नहीं कर सकती, ये बात इनमें जरूरत नहीं है बात करने की। जनाब सदर, सदर का पूरी एग्जैक्टम 1 करोड़ होता है। हम बदनाम हुए हैं साहब का 3-4 बारों की एग्जैक्टम की वजह से। यहाँ ऐसे ऐसे एग्जैक्टम के मेरे सरकार के उनके सदन है, बल्कि हमने ये सुना सीनियर बैठे, उनके पापा को क्या पूछे भाई, हम किस लिए बैठे हुए हैं, हम किस मर्जी द्वारा है, करेक्टर देखो अपना, लोगों की बातें सुनो अपनी। बात ये है यहाँ एक ऑफिसर को मारा, एक सिविल की बेटी की हाईकोर्ट में जाके हमें माफी मांगनी पड़ी। बात कर रहा हूँ यही की क्यों है हमारा ये नहीं बात करता थी, वो तो गलत है ही है, ये गलत है, इसके स्थान क्या है, वजह क्या है, वजह ये है कि आपकी भी बात कर लेता हूँ। क्या जी जनरल पार्टी का इजलास हुआ, जनरल पार्टी का इजलास हुआ, सदर साहब ने फरमाया कि जी हम जिनके प्लान है मुकुलाटोनी में उसकी मीटिंग बुला रहे हैं, ठीक है नहीं बुलाई, बुलाई जनरल पार्टी का इजलास बुला दिया, जनरल पार्टी में ये फैसला होगा कि कमेटी बनाएंगे, उसके मेंबर बनाएंगे, और बात सुनो सदर साहब जेरे असर वो उसके एग्जैक्टर के आए ऐसे मेंबर बनाए जिनके प्लान ही नहीं रहा, वो क्या एजेंडे की बात है। मैं तुझे बता रहा हूँ कि हमारी क्यों बड़े बेइज्जती करते हैं, इसलिए बेइज्जती करते हैं वो लोग कि हमारा अपना रवैया सही नहीं है, हमारा अपना रवैया सही नहीं है। अब इसके तजवीज क्या है, जरूरत है की है, आप तो कहीं थानेदार के अब तहसीलदार के आगे भी नहीं बोल सकते, राणे ग्राम को झटका चला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान को भी कह रहा तुम कौन हो, मैं जनाबे सदर आप मैं देते नहीं देता, अच्छी तजवीज है, बहुत मुश्किल लगता है, तो इसके लिए आपको बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस मुल्क में हर की पोस्ट पर रिटायर फौजी बैठा, सच्ची से लेके नीचे तक फौजी, जनाबे सदर इसके लिए हमें चीफ आर आर्मी स्टाफ, मैं समझता हूं नुमाइंदों से फौज, एक ऐसा अदारा है जो इस मुल्क का दफा करता है, दुश्मनों का दफा करता है, हर आए वक्त में फौज काम आती है, ये उसके मतहत है रिटायर्ड फौजी, एक डीसी नहीं है, कितने डीसी रिटायर्ड खुदा की कसम है मेरे नजर, मैं बता देता हूँ इतना ही बार देख ले, बयानी देख ले और कई जगह देख ले, ऐसे ट्रांसफर हो रही चीफ आर्मी स्टाफ को इस बात को खत लिखना चाहिए कि कौम पे रहम करो, ये अभी उसको क्या है पेंशनर को भी रिटायर को भी वो बुला सकता है, सही कर दीजिए, फिर से हमारी जान जब रह गई है, मैंने एमबीए जो पैसे की बिना पे जो फलाजी की बिना पे जैसे अब हमारे इलेक्शन होते हैं ऐसे वो जेन्युइन नुमाइंदे नहीं होते, जेन्युइन नुमाइंदा अभी ये ना ये तो आप इलेक्टर का साथ लगा मुझे बात को कराता थे पर
भी आप देखे इसमें, ये एक नेता एक खातून आई, वो कहती है फंडर शासन जज ने एक ऐसे सदन में किसी ने बाहर के पैसे मार लिए, उसकी बड़ी किस्ती थी। वो जनाब जब आप जज को भी डिफेंडर कहेंगे शासन जज को, रिलीफ किससे लेंगे भाई? दो पहले से आप दो पहला जनाब इस सदन आप रिलीफ देता। एक तजवीज पहले आई है, ये बड़ा लंबा सफर है पूरे डिस्ट्रिक्ट की है। ये जो बाहर कौंसिल है उसमें कोई सत नहीं है, वो खुशामियों का टोला है, वो जाकर खुशामियों के दूसरे को, ये तो फिर इंतजार लंबा है। इसकी इस वक्त मेरा मकसद, ये कहते हैं कि हम क्रीम ऑफ द नेशन है, हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन साजिद आता तो यहाँ पर मजबूरी है, खुशी से कोई नहीं रातों में आता। तो माए लोग फिर भी हमें उनका ख्याल है, हम इन अदालतों में कोई शिकायत नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डीसी का बाइकॉट होगा। और डीसी अगर एक हफ्ते के अंदर ट्रांसफर नहीं होता तो फिर पूरे जिले में तमाम नुकसान का बाइकॉट होना चाहिए। जनाब सदर फिर इसके लिए वो जो बड़े दलेर और बहादुर पार्टी के मेंबर हैं, आप अपनी जांच से खबर ले जाए, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर से मिले, हालांकि उनके इख्तियार नहीं है, जब उसके मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब सदर, खुदा के लिए मैं हाथ बांधता हूँ, अगर आगे अदनान शाह का है तो पाकिस्तान ले गया काम लेके गया। मैं बैठा था मेरी अपनी हैसियत दीवार की वजह से नहीं, किसी और हैसियत में बैठा था, तो उन्होंने कहा भी आ गए, वो 15-20 मिनट बैठे तो आएंगे। तो सबसे ने कहा ये आदमी आपकी वजह से क्यों नहीं आता? मैंने कहा वो आएगा भी, मैंने कहा वो मेरे बैठे आएगा भी नहीं, जिन नजायज काम के लिए उसे दाल जाते। देखो मैं एफसी ऑफिसर पता करे, मैं पंचायत में पता करे, वार्डा में नायब सदर अपने तौर पर फिर रहा है, सचिव अपने तौर पर फिर रहा है, कोई दो चार खुदा के लिए इस बात को और ज्यादा दिलील ना करो। अगर जाना है सदर के बगैर कोई नहीं जाएगा, अगर सदर ना पहुंचा सर होगा करता है, अगर किसी का खराती काम है सदर ही उसमें इंक्वायरी करे, सदर इंक्वायरी करके सखी को या किसी आदमी को साथ ले जाए, इन फैसले इंद्रास के लोगों के लिए कपड़ा ग्रोथ के लिए हर जगह से लोगों के जाए बात। जनाब सदर इसके लिए आपको पूरे डिवीजन को छोड़े डीसी की मीटिंग करें, डीसी का तो हो गया, एक हफ्ते के अंदर अगर उसकी ट्रांसफर नहीं होती पूरी हर जगह रेवन्यू अफसरों के खिलाफ कोई वकील नहीं जाएगा, फिर आप हमें सदर पे इत्माद है जिसको साथ ले जाए, चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर से जाके मैंने और मेरी एक आपसे बताया ये वाक्य चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसके लिए बतहत रिटायर्ड फौजी कोई को बुला सकता है उसको भी देखें कि ये लोग आप कहते हैं 5-6 आए थे मुफ्ती साहब, 35 एक्ट के तहत उसको तैयार है किसी को 35 पूरे एक्ट ले दे देता हूं, उसको तैयार है, वो जिले का गवर्नर है और हाल ये है अभी तक पानी खड़ा है बारिश का, अभी तक बारिश का पानी खड़ा है। आप वो आएगा तो मच्छर क्या बीमारी आती है डंगी, इंशाल्लाह अल्लाह बताए बार वो आने वाला है मच्छर काटता है डंगी आएगी। ये टीसी इसको भाग्या हम तो नहीं सजा देते, हम तो उसका वाइका नहीं करेंगे, इसको सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह तबारक ताला की ताकत मुझे मेरा ईमान है
है मैं उनसे बाइबल कामल का अपनी है, मेरा हर अच्छा फेर लिखते हैं, मुझे मौत भी याद है। मैं अब ये कोई नहीं कि कहूंगा कि मुझे अब जब देखे मुंह शुगा के देखे जनाब शेख साहब जुल्म करें और जुल्म का साथ दें, मैं उन वकीलों में नहीं। मैं कितने केसों को जवाब देते हैं मैं नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा। कि हम जब तक पैसे के गुलाम है, अपनी ख्वाहिशों के गुलाम है, उस वक्त तक वकीलों की कोई मदद नहीं करेगा। जब आप समझेंगे करीब आपकी देश है मजलूम का साथ है आपकी इज्जत होगी। मेरी इंतजाम इसके साथ आपसे को फिर मिलने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारों को बुलाए, पूरे जिले में रेवेन्यू फोर्स रेवेन्यू ऑफिसर का भाई साहब करें, इन हालात को वहाँ भाई साहब नहीं करें और उसको बुला कर पूछे जिससे ये जो पैगाम दिए इससे। तो तुम कह रहे हो लड़ाई तो हमारी लड़ रहे, तुम जुडिशरी से भी लड़ाई करवा रहे हो, ये जो आरोप है लल्लू भतू जो मांगी जाए बकवास लिख रहे जो मांगी जाए ना उसको अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, इज्जत का क्या उनको भी मना करें। ये लोग हमारी बसी का बात है जनाब सदर, इन बात के साथ जुड़ करें, ये जो एग्जेक्टिव है उनके खड़ों में ना बने, जहां मर्जी आपको ले जाए। नहीं आपने दोबारा तो इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे पता है ये डिस्ट्रिक्ट बार का उनको लड़ने दें जो झूठ बोलते हैं, हमने उनका कभी साथ नहीं किया, देंगे आपका साथ जहां चाहे फूल बहाएंगे जाएंगे, लेकिन उनके साथ बिल्कुल जानों का साथ जो लोगों के क्रम में भी इसको नहीं जाते। मैं